हाँ, तो गाइस क्या आपको भी लगता है कि माइनिंग करना पता नहीं क्या गलत काम है? वो अलग बात है, आप और हम सारे गलत काम हराम काम करते होंगे छुप छुप के, लेकिन ये वाला काम हमें ज्यादा तकलीफ दे रहा होगा क्योंकि ये अर्निंग का सोर्स है। तो माइनिंग क्या होती है, कैसे होती है, आज इसी चीज के ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है। तो लेट्स गो टू द वीडियो। बात सुनो, वीडियो तो नहीं बना रहे थे? नहीं, ऐसे ही कैमरा ऑन करके उसकी स्क्रीन में अपनी शक्ल देख रहा था, अच्छी लगती है मुझे। हाँ अच्छा, काम बाद में करना, पहले मुझे 20 का दे ला दो। अच्छा, ला देता हूँ भाई। जितने मर्जी बड़े यूट्यूबर बन जाओ ना, घर में आपकी यही औकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान खालिद है और आप देख रहे हैं डड्डू चार्जर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड द ट्रेडिंग, और बेसिकली माइनिंग होती कैसे है, माइनिंग का मेन रूल क्या है, पेमेंट कहाँ से आती है, किस तरह से माइनिंग वर्क करती है। तो वीडियो में भी लंबी हो छोटी हो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले बात कर लेते हैं स्पॉन्सर की। तो लेट्स गो टू द स्पॉन्सर मैसेज। बी सो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय फ्रीकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल एंड दे आर बेसिकली क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। मतलब वो आपको ये समझाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग होती कैसे है, कब सिग्नल आता है कि ले लो बेच लो, सब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। और वो एक कंपटीशन भी करवा रहे हैं, उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आपको उनके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू फ्रीकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल फॉर हाई क्वालिटी कॉन्टेंट रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एंड लॉट मोर। सॉरी फॉर माई बैड इंग्लिश बिकॉज आई डोंट लाइक इंग्लिश, बट आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश बिकॉज दे गिव मी मनी एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज मनी मेक यू स्पीक इंग्लिश। बी सो गाइस, सिंपल सी बात इतनी है कि उसके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दे। भाई ने मुझे पैसे दिए हुए हैं यार, कर दो प्लीज यार। अब तुम्हें पता है एसी शेसी भी लगवाना है, गर्मी बहुत है, पैसे चाहिए मेरे को, मुझे नहीं पता, तो मैं यार उसे बंदे को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। सो हमारी स्पॉन्सरशिप यहाँ पे खत्म होती है और अब हम बात करते हैं दोबारा से अपने मुद्दे की। लेट्स गो टू द मेन वीडियो। बी तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है। माइनिंग का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो वो नेक्स्ट में कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो नहीं इसके बाद। तो ट्रेडिंग का सीन ये होता है कि आप एक कॉइन है, बिटकॉइन की जो प्राइस अभी चल रही है वो फॉर एग्जांपल $40,000 है, तो अभी उसने एकदम $32,000 पे वो गिर गया। तो आप क्या करते हैं कि आप थोड़े से कॉइन खरीद के रख लेते हैं और जब दोबारा से उनकी प्राइस ऊपर चढ़ जाती है तो आप उसको बेच देते हैं। ये होती है ट्रेडिंग। उसमें से बिटकॉइन नहीं, आप कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है ना। ये नहीं पता लगे कि मैंने कोई टट्टी कॉइन खरीद लिए जो कि वापस ऊपर ही नहीं चढ़ रहा। तो आपने एक्सपीरियंस पे काम करना है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे गाइडलाइन लेनी है, जैसे कि ये चैनल का बता रहा था, ये बंदा भी बताता रहता है, और पाकिस्तान में वकार जका का जो ग्रुप है वहाँ पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। वो वैसे बुरी चीज़ नहीं है, 1500 पर मंथ में, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन वो भी फेक नहीं है। वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। मतलब वो सिग्नल दे देते हैं कि अभी आप डॉगी कॉइन ले लो, अभी आप चिया कॉइन ले लो, अभी आप इथीरियम कॉइन ले लो, और अभी आप इस कॉइन को बेच लो। और ट्रेडिंग जो होती है हमेशा लॉन्ग टर्म में होती है, मतलब कि ज़्यादा टाइम आपको कॉइन अपने पास रखने पड़ते हैं। अगर आप आज बेच के कल बेच दोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा टाइम ऐसे कि अभी बिटकॉइन $32,000-$33,000 पे आया हुआ है, अगर आप फॉर एग्जांपल ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करके ना आधा बिटकॉइन भी ले लेते हो, लेकिन आधा बहुत ज़्यादा हो जाता है, चलो ₹1,00,000 का बिटकॉइन आप ले लेते हो, तो अगले आने वाले 5 साल में वो आपका ₹5,00,000 हो जाएगा और ये कन्फर्म है। तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर होती है ट्रेडिंग में, लेकिन शॉर्ट टाइम भी आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉइन हैं जो रोज़ चढ़ते गिरते हैं, तो जो गिर रहा है वो ले लो, जो चढ़ रहा है वो बेच दो। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया और जब कॉइन की प्राइस ₹1,50,000 होगी तो ₹1,00,000 निकलवा ली और ₹50,000 रहने दिया। मतलब प्रॉफिट के ऊपर खेलो, जो आपने ऑलरेडी पैसे लगाए हुए थे वो निकाल लो ताकि आपको जेब से लॉस ना हो। और ट्रेडिंग करने के काफ़ी सारे मेथड हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बीनेंस पे कर सकते हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ट्रेडिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान में इशू ये है कि ट्रेडिंग के लिए आप डायरेक्टली बैंक से अपने विड्रॉ या वो नहीं कर सकते, मतलब आपने अगर ट्रेडिंग वाली वेबसाइट में पैसे डलवाने हैं, जाहिर सी बात है, और कॉइन लेने के लिए ज़रूरी है कि आपका बैंक आपको अलाउ करे, लेकिन पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है, तो आप पाकिस्तान में डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते। तो उसका तरीका ये है कि बहुत सारे मेथड हैं, कुछ लोग पेपॉल यूज़ करते हैं, कुछ लोग किसी का पेपॉल यूज़ करते हैं, कुछ लोगों के मामू चाचू इंग्लैंड में रहते हैं तो वो उनके थ्रू ले लेते हैं। और ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि
मैं ये यहाँ सिखाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने जस्ट ये बताना है कि व्हाट इज माइनिंग एंड द ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, माइनिंग खोद के पैसे कमाने की बात करते हैं कि माइनिंग होती कैसे। इट इज हराम और हलाल का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं तो होती क्या। बी सीन ये कि बिटकॉइन एक आम करेंसी की तरह करेंसी है, लेकिन जैसे आपका कागज का नोट होता है, कागज का नोट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, इसका कोई वीएल नहीं है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक वैलेट के अंदर पड़ी होती है। लेकिन पूरी दुनिया में डिफरेंट जगह पे आप बिटकॉइन को परचेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये इलीगल है। यहाँ पर ट्रेडिंग ही आप कर सकते हैं, लेकिन माइनिंग भी होती है। तो माइनिंग का सीन ये कि आप एक रिग लगाते हैं, रिग का मतलब उसमें 3-4 ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं, पूरा सिस्टम होता है, और उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं और वो बेसिकली बिटकॉइन की कंपनी का एक सर्वर बन जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल बैंक अपनी ट्रांजैक्शन अपने सर्वर्स के थ्रू करते हैं, अपने कंप्यूटर्स के थ्रू, लेकिन बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है वो दुनिया में हर दूसरे बंदे ने एक रिग लगाई हुई है, वहां से ट्रांजैक्शंस का अमल होता है और वही एज अ सर्वर यूज होते हैं उनके बिटकॉइन के लिए। उनका अपना विजुअल कोई ऑफिस या सर्वर नहीं है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में जगह जगह वो सर्वर लगे हुए हैं और आपका बिटकॉइन बहुत ज़्यादा सिक्योर है, उसको हैक नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं बिटकॉइन के जरिए, तो वो पहले किसी भी दुनिया में किसी भी पड़ी हुई रिग में जाएगी, वहाँ पे वो कैलकुलेशन होगी, वो पजल सॉल्व करेंगे वो जो GPU लगे हुए हैं, और वो पजल सॉल्व होने के बाद वो ट्रांजैक्शन आगे चली जाएगी और उस ट्रांजैक्शन की फीस में से थोड़ा सा परसेंटेज माइनर को दे दिया जाएगा और वही प्रॉफिट बेसिकली माइन होता है और वो आपको मिल जाता है कि ये लो जी 10 लाख रुपया ट्रांसफर हुआ है तो ये 10,000 रुपया आपका प्रॉफिट है। ये बेसिकली होती है माइनिंग। तो माइनर क्या कर रहा होता है, बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनकी पजल्स को सॉल्व कर रहा होता है। तो आप यही समझ लें कि आप जो वर्किंग कर रहे हैं वो आपको बेसिकली उस चीज का रेंट मिल रहा है। जैसे कि आपने गाड़ी रखी हुई है किसी कंपनी में, रेंट पे दे दी है, तो गाड़ी का खर्चा 20,000 है, रेंट आपको 50,000 आ रहा है, तो आपको 30,000 प्रॉफिट हो रहा है। और ये सिंपल लॉजिक है माइनिंग की, और यही होती है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। अब बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि माइनिंग के लिए ग्राफिक कार्ड क्यों लगाए जाते हैं। बेसिकली माइनिंग के दौरान आपको बहुत सारे पजल सॉल्व करने पड़ते हैं, मतलब ये ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा सिक्योर है कि ये डायरेक्टली नहीं आती, एक खास किस्म के मैथमेटिकली पजल्स के सूरत में आती है। तो वो जो आगे आपने रिग लगाई हुई है उसको वो सॉल्व करना पड़ता है, और वो सॉल्व करके ट्रांजैक्शन को अप्रूव करके पूल में भेजती है, और जो पूल वाला सिस्टम है जिसके अंडर सारे माइनर काम कर रहे हैं, बेसिकली ऊपर एक हेड पूल है उसमें जाती है ट्रांजैक्शन, वहां से फिर दूसरे बंदे को मिलती है। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि बिटकॉइन माइन होना अगले साल बंद, भाई ऐसा अगले साल बंद नहीं हो जाएगा। बिटकॉइन अभी तक 18 से 19 मिलियन माइन हो चुके हैं और 21 मिलियन टोटल माइन होंगे, और अगले के जो 3-4 मिलियन रहते हैं ना उनको माइन होने में कम से कम 125 साल लगेगा, 120 साल कम से कम, क्योंकि पहले एक साल में 10 मिलियन बिटकॉइन माइन हो गए थे, दूसरे साल में जाके 5 मिलियन हुए, तीसरे साल में 2 मिलियन हुए, अब अगले साल में 1 मिलियन भी नहीं होंगे। इसी तरह स्पीड स्लो होती जा रही है, माइनिंग मुश्किल होती जा रही है, पजल स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, सिक्योरिटी ज्यादा होती जा रही है। तो गाइस आपको समझाते समझाते मेरी तो ठुस हो गई है, क्योंकि इतना कोई ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि अगर इसको मैं डिटेल में खोल के बैठ जाऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे और हमें भी समझ नहीं आएगी। तो गाइस फाइनल में अगर बात करें ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस के ऊपर, तो वो भी कोई अंदाजा नहीं है कब नीचे आएंगी। मैंने पिछली वीडियो इसी चीज़ पे बनाई थी कि प्राइसेस नीचे नहीं आने वाली, लेकिन कुछ जगह पे सस्ते बिक रहे हैं, जैसे कि प्री ऑर्डर में सस्ते मिलेंगे, वो 3-4 मंथ के टाइम पे डिलीवर होते हैं, या फिर PPG पाकिस्तान PC गेमर्स ग्रुप को, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में ये सीन है कि उस मेंबर्स को वो ऑफर्स देते हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने ऑफर लगाई हुई है जो कि तकरीबन 20-30 कार्ड शायद उनके पास अवेलेबल हों, लेकिन वो प्रॉपर इंटरव्यू करके गेमर्स को कार्ड दिए जाएंगे जिनको अपने यूज़ के लिए चाहिए, और वो 3060 Ti तकरीबन 1.5 लाख और 3070 Ti तकरीबन 1,70,000-1,80,000 रुपये में दे रहे हैं, और वो स्पेशल ऑफर्स है गेमर के लिए। इस तरह की ऑफर्स आती हैं, लेकिन बात यह कि पब्लिकली मार्केट में रेट कम नहीं होने वाला और ना ही वो जल्दी जल्दी होगा। पब्लिक ही मीन के जब एक वक्त आएगा ना जब मार्केट में 750 Ti 6,000 रुपये का बिकने लगेगा, तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ भाई रेट नीचे आए हैं। अभी 750 Ti 18,000 रुपये का बिक रहा है, तो मैं कैसे कह दूँ रेट नीचे आए हैं? ये नहीं होता जी फलानी जगह पे 1.5 लाख का मिल रहा है तो रेट नीचे आए हैं, नहीं, वो स्पेशल ऑफर है। वो कार्ड किधर से आए कैसे आए वो कोई नहीं जानता, लेकिन आ गए शुक्र करो ले लो। ये छोड़ दो क्यों मार्केट के रेट नीचे, मार्केट के रेट नीचे नहीं आने वाले। तो बस भाई बस आज की वीडियो में तक, वीडियो चलेगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। बस बस अगली वीडियो भाई आने लगी है HyperX वर्सेस Zeus, रेड ड्रैगन Zeus, तो बहुत मजे की वीडियो होगी, तो वेट करें मेरी वीडियो का। Whatever.
ओके थैंक यू।